हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का टॉपिक है नथैलियन हॉथरॉन। इनकी बायोग्राफी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इनका जन्म 1804 सेलम में हुआ था। इनके फादर का नाम नथैलियन है और इनकी माँ का नाम एलिजाबेथ था। इनके एंसेस्टर में एक नाम थे जॉन हैथरॉन। एक बार सेलम में विच ट्रायल हुआ था और उसमें शक के बिना पे कि ये लोग विच हो सकते हैं, उन लोगों को एक्सिक्यूट कर दिया गया था। और उसके ओनली जज थे जॉन हैथरॉन। उनको उनके हिसाब से प्रूफ भी मिले थे, बट ऐसा भी हो सकता है कि उनके प्रूफ गलत हों या कुछ उनमें मिसकैलकुलेशन हुआ हो। बट इसका रिपेंट कभी भी जॉन हैथरॉन ने किया नहीं। नथैलियन अकेले बच्चे थे अपने माँ बाप के और इनके फादर सी कैप्टन थे। 1808 में येलो फीवर से उनकी डेथ हो जाती है और जो फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने की वजह एलिजाबेथ अपने भाइयों के यहाँ, अपने अमीर भाइयों के यहाँ रहने चली जाती हैं। नथैलियन के अंकल रॉबर्ट के कहने और फाइनेंशियली सपोर्ट करने पे वो बोर्डन कॉलेज में जाते हैं 1821 में। वहाँ पे वो फ्यूचर प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन पियर्स से मिलते हैं और वो बहुत जल्दी फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर वो वहाँ पे अपकमिंग पोएट हेनरी से मिलते हैं, फिर वहाँ पे अपकमिंग कांग्रेसमैन जॉनाथन और फ्यूचर नेवल रिफॉर्मर होरेशियो से भी मिलते हैं। काफ़ी बड़े बड़े लोगों से इनकी फ्रेंडशिप होती है वहाँ पे। 1836 में हैथरॉन अमेरिकन मैगजीन यूज़फुल एंड इंटरटेनिंग नॉलेज के लिए काम करते हैं। वहाँ पे वो थॉमस ग्रीन के साथ रहते हैं। नथैलियन को जॉब ऑफर होता है वेयर और गॉजर का बोस्टन कस्टम हाउस में, $1500 सैलरी पर ईयर पे, जिसको वो 17 जनवरी 1839 में एक्सेप्ट कर लेते हैं। इन्होंने कई शॉर्ट स्टोरीज लिखी कई सारी मैगजीन्स के लिए, जैसे यंग, गुडमैन, ब्राउन और मिनिस्टर्स ब्लैक व्हील, बट इसको ज़्यादा पॉपुलरिटी मिली नहीं इन शॉर्ट स्टोरीज़ को। July 9, 1842 में हैथरॉन की सोफिया से शादी हो जाती है पीबॉडी में। फिर ये लोग 3 साल के लिए मैनसे कॉर्नॉट मैसाचुसेट्स में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ फिर वो लोग 3 साल तक रहते हैं। वहाँ पे ये कई सारी टेल्स लिखते हैं। हैथरॉन के 3 बच्चे भी होते हैं। April 1846 को हैथरॉन को ऑफिशियली अपॉइंट किया जाता है सर्वेयर सेलम और बेवली डिस्ट्रिक्ट के लिए, और इंस्पेक्टर ऑफ द रेवेन्यू भी अपॉइंट किया जाता है सेलम के लिए, जिसकी एनुअल सैलरी होती है $1200। इनकी ये जॉब भी बॉस्टन वाली जॉब की तरह पॉलिटिकल रीजंस की वजह से चली जाती है, जब उनका एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज होता है 1848 में। हैथरॉन अपना वापस से राइटिंग का काम शुरू कर देते हैं और मिड मार्च में स्कारलेट लेटर को पब्लिश करते हैं। और इसका जो प्रीफेस होता है, इनको जो कस्टम हाउस में काम मिला होता है उससे रिलेटेड होता है, जो कि लोकल पॉलिटिकल बातों पे होता है, जिसको पॉलिटिशियंस कुछ खास पसंद करते नहीं है। पर इनकी ये स्कारलेट लेटर वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग नॉवल होती है अमेरिका में, जिसकी 2500 वॉल्यूम्स बिकती हैं 10 डेज में। 1850 मार्च के एंड में हैथरॉन और उनकी फैमिली एक छोटे से फार्म हाउस में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ इनकी फ्रेंडशिप हरमन से होती है। इनका जो बर्कशायर का टाइम होता है ना, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। वहीं पे ये नॉवल लिखते हैं, द हाउस ऑफ द सेवन गैबल्स 1851 को द पोएट और क्रिटिक जेम्स रसल बोलते हैं कि इनकी जो ये नॉवल है वो स्कारलेट लेटर से बेटर है और वो इम्पोर्टेंट डोनेशन है न्यू इंग्लैंड हिस्ट्री में। लेथरडेल रोमांस भी यहीं पे लिखते हैं, जो कि इनका ओनली वर्क है फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में। 1851 में शॉर्ट स्टोरी के कलेक्शन अ वंडर बुक फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ को भी ये पब्लिश करते हैं। May 1852 में हैथरॉन वापस से कॉनकॉर्ड आ जाते हैं और July 1853 तक रहते हैं, और वो हिल साइड में एक घर लेते हैं जिसका नाम वो वे साइड रखते हैं, और वहाँ पे उनके नेबर होते हैं इमर्सन हेनरी। और उसी साल वो बुक लिखते हैं द लाइफ ऑफ फ्रैंकलिन पियर्स। वो कैंपेन बायोग्राफी होती है पियर्स की, जिसमें नथैलियन पियर्स को अ मैन ऑफ पीसफुल प्रस्यूट्स बताते हैं। और जो पियर्स होते हैं वो अपने प्रेसिडेंट इलेक्शन में जीत जाते हैं और उनकी बायोग्राफी लिखने के लिए वो हैथरॉन को रिवॉर्ड देना चाहते हैं, तो वो यूनाइटेड स्टेट काउंसिल की जॉब ऑफर करते हैं लिवरपूल में। 1860 में ये लोग वापस आ जाते हैं वे साइड में, और ये 7 सालों में पहली बार एक बुक पब्लिश करते हैं, द मार्बल फॉन। अमेरिकन सिविल वॉर की शुरुआत से पहले हैथरॉन विलियम डी टिकनोर के साथ वॉशिंगटन DC जाते हैं, जहाँ पे अब्राहम लिंकन से मिलते हैं और भी कई लोगों से मिलते हैं, जिन एक्सपीरियंसेस के बारे में ये चीफली अबाउट वॉर मैटर्स में लिखते हैं 1862 में। इनकी बिगड़ती तबीयत की वजह से कई सारी रोमांस नॉवल को कम्प्लीट नहीं कर पाते। इनके पेट में दर्द रहा करता था और इसी हालत में ये व्हाइट माउंटेन विजिट करने का प्लान करते हैं, और वहीं रास्ते में ही इनकी डेथ हो जाती है May 19, 1864 न्यू हैम्पशायर में। हॉथरॉन को ऑर्थर्स रिज इन स्लीपी हॉलो सिमेट्री कॉर्नॉट मैसाचुसेट्स में दफनाया गया है।
इनके जो ज़्यादातर वर्क रिलेट करते थे उसमें थे रोमांटिसिज्म, डार्क रोमांटिसिज्म, और इनके जो वर्क के थीम होते थे लव, सिन, एवल। और इनके जो वर्क थे ज़्यादातर इंस्पायर्ड थे प्यूरिटन न्यू इंग्लैंड से। इनके जो वर्क है वो हिस्टोरिकल रोमांस को कंबाइन करते थे सिंबोलिज्म और डीप साइकोलॉजिकल थीम से। स्टार्टिंग के करियर में शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। हैथरॉन ने अपने 4 मेजर रोमांस नॉवल लिखे थे 1850 से 1860 में। और क्रिटिक्स ने तो ये भी कहा है कि इनके वर्क में फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव भी दिखता है। तो इसी के साथ वीडियो कंप्लीट हो गई। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।